तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसमें हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के सभी टूल्स की जानकारी बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहें और वीडियो को बीच में स्किप ना करें। अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो आप एक भी पॉइंट अगर मिस कर देते हैं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। इसमें हम आपको बताएंगे, जैसे आपको कॉपी करना है, कट करना है, और एडिटिंग है, और फॉर्मेटिंग है, जो भी वर्ड की फॉर्मेटिंग होती है, पैराग्राफ की सेटिंग होती है, फाइंड है, रिप्लेस है, तो ये हम आप डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते हैं। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम अपने MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। इसमें हम आपको कुछ पहले की जानकारी बताना चाहेंगे जिनसे आपको सीखने में आसानी हो जाए। तो आपको जो सबसे ऊपर दिखाई दे रही है जिला, इसको अपन टाइटल बार बोलते हैं, और ये दिख रहा है आपको होम है, ये इंसर्ट है, इनको अपन टैब बोलते हैं। जो होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, और ये आपका पूरा जो रिबन सेक्शन कहलाता है। इसके बाद जो छोटे छोटे दिख रहा है आपको क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये आपके ग्रुप होते हैं। जो आपका फॉन्ट ग्रुप है, जो पैराग्राफ ग्रुप है, जो स्टाइल्स ग्रुप है, जो एडिटिंग ग्रुप है, इनको अपन ग्रुप बोलते हैं। और ये आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इसको अपन पेज बोलते हैं। इसके नीचे आपको जो दिख रहा है वर्ड जीरो, इसको अपन एड्रेस बार बोलते हैं। जो नीचे आपकी टास्क बार है, और ये आपका ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में आप न्यू फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, और पुरानी फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एस कर सकते हैं, प्रिंट है, जी सभी ऑप्शंस आपको ऑफिस बटन में मिल जाते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ फाइल चाहिए तो आप इसमें एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसमें आपको इक्वल लिखना है, RAND, और ब्रैकेट को लगाना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है। इसके बाद आपको नॉर्मली इंटर करना है, तो आपके सामने कुछ वर्ड आ जाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। इसके हम साइज इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। सबसे पहले ऑप्शन आता है जो कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए पैराग्राफ है जो आपका, अगर इसको आपको कॉपी करना है तो यहाँ से अपन इस पर कॉपी पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जहाँ भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पे अपन को कर्सर को लाना है और यहाँ से पेस्ट करना है, ये पेस्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, तो ये आपका पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका जो कट बटन, इससे अपन मूव करने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए यूज करते हैं। पहले आपको इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से कट करना है, और जहाँ भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर को ला के आपको पेस्ट पर क्लिक करना है। इनके लिए आप शॉर्टकट की का यूज भी कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट की नहीं पता है तो इसके पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसको जरूर देखें, उसमें आपको ए से लेकर जेड तक की सभी शॉर्टकट्स की बताई जाएंगी। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है फॉन्ट चेंज का, तो ये फॉन्ट चेंज करने के लिए रहता है। पहले आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके फॉन्ट चेंज होगा। इसके बाद आता है ऑप्शन बोल्ड का, जो बी बना है इसको अपन बोल्ड बोलते हैं। अगर आपको जो डार्क में या बोल्ड करना है तो इनको सिलेक्ट करके हम यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इससे ये आपके हाईलाइट दिखने लगते हैं। इसके बाद ऑप्शन आपका जो इटैलिक का आता है, इसमें आप इनको इटैलिक कर सकते हैं, सेलेक्ट करके आपको आई पे क्लिक करना है, ये आपके इटैलिक वर्ड हो जाएंगे। इनके बाद आपका ऑप्शन आता है अंडरलाइन का, अगर आपको कोई भी वर्ड उनको अंडरलाइन करना है तो यहाँ से आपको यू पे क्लिक करना है। और आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद में एक आपको छोटा एरो मिलता है, इससे आप अलग अलग प्रकार की अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका जो ABC लगा है क्रॉस का, इसमें आप किसी भी वर्ड पर क्रॉस लगा सकते हैं। इनको आपको ऐसे सेलेक्ट करना है और ABC पर क्लिक करना है, तो आपके वर्ड पर क्रॉस आ जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका सबस्क्रिप्ट का, सबस्क्रिप्ट का यूज रहता है जब आप कोई फॉर्मूला या फंक्शंस लिखते हैं तो उनमें आपको सबस्क्रिप्ट का यूज करना पड़ता है। जैसे मान लो H2O लिखते हैं अपन, तो इनमें आपको 2 के लिए नीचे चाहिए तो अपन यहाँ से सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ऐसे ही आपका। इसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन, मान लो अगर आप 10th लिखते हैं तो आपको TH है जो ऊपर लगाना है, तो आप सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है चेंज केस, तो अपन चेंज केस बोलते हैं। चेंज केस में आप यहाँ पे सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, तो इनको अप्लाई कर सकते हैं। इनसे होता क्या है, जो आपका पैराग्राफ है जो, इनको अगर आपको चेंज करना है, केस चेंज करना है, अगर आपको मान लो पहला वर्ड कैपिटल चाहिए उसके बाद स्मॉल लेटर चाहिए, तो अपन सेंटेंस केस पर क्लिक कर देंगे। आपको अगर सभी वर्ड स्मॉल लेटर में चाहिए तो आप लोअर केस पर क्लिक कर देंगे, अगर आपको सभी कैपिटल में चाहिए तो अपन अपर केस पर क्लिक कर देंगे। ऐसी और भी है, इनको आप एक बार यूज करके देख लेना। इनके बाद आता है साइज, साइज अगर आपको फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करना है तो यहाँ से अपन फॉन्ट की साइज को बढ़ाया घटा सकते हैं। इसके बाद ये वाले ऑप्शन भी आपको साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए रहते हैं, इससे आप साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, इससे आप साइज को डिक्रीज कर सकते हैं।
इसके बाद आपका ऑप्शन आता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगर आपको कोई वर्ड हाईलाइट करना है यहाँ से, तो आप उनको कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन रहता है आपका फॉन्ट कलर। आपको अगर फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो आपको सिलेक्ट करके यहाँ से कलर को सिलेक्ट करना है और उनके फॉन्ट के चेंज को कलर कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका रीसेट का। जो भी आप फॉन्ट ग्रुप के अंदर जो भी सेटिंग्स करते हैं, आप फॉर्मेटिंग करते हैं, उनको अगर आप एक साथ रीसेट करना चाहते हैं, तो आपको नॉर्मली यहाँ से सेलेक्ट करना है और रीसेट बटन पर क्लिक करना है। तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी एमएस वर्ड की सेटिंग्स रहती है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। तो ये थे हमारे फॉन्ट पैराग्राफ के कुछ टूल्स। इसके बाद हम बात करते हैं पैराग्राफ टूल्स की। तो पैराग्राफ टूल्स में क्या होता है, जी वाले ऑप्शन आपको अलाइनमेंट के लिए दिए जाते हैं। इसमें अगर मान लो आपको सेंटर अलाइनमेंट करना, तो यहाँ से हम सेंटर अलाइनमेंट क्लिक करते हैं। इसके बाद अगर आपको राइट लाइन पर क्लिक करना है, तो यहाँ से आपको राइट लाइन पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको लेफ्ट में लाइन करना है, तो आप लेफ्ट लाइन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन आता है जस्टिफाई का। अगर आपको पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है, तो यहाँ से अपन जस्टिफाई पर क्लिक कर सकते हैं। इनमें दोनों साइड का गैप आपका फिक्स आ जाएगा। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है लाइन स्पेसिंग का। अगर आप इनकी लाइन के बीच के स्पेस को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इनको बढ़ा सकते हैं, 2 पॉइंट कर सकते हैं, 3 पॉइंट कर सकते हैं, जितना भी आप चाहें तो इनको घटाया बढ़ा सकते हैं। इसको अपन लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका शेडो कलर। अगर आपको शेडो कलर चेंज करना है, तो यहाँ से आप कलर इनमें शेडो कलर चेंज कर सकते हैं। इनके बाद आता है आपका स्टाइलिश पैराग्राफ, जिनमें आपको हेडिंग्स वगैरह मिलती हैं, जिनसे आप हेडिंग्स को चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको हेडिंग्स लगानी है, तो आप उन पर क्लिक करके उनको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है फाइंड का। अगर आपको अपने वर्ड या डॉक्यूमेंट में कुछ वर्ड फाइंड करना है, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर उस वर्ड को लिख सकते हैं और उसको फाइंड कर सकते हैं। ये आपको वर्ड आपको बता देगा कि आपका वर्ड कहाँ पर लिखा है। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है रिप्लेस का। अगर आपको कोई वर्ड रिप्लेस करना है, तो आपको रिप्लेस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वर्ड लिखना है। जो भी करना है इसकी जगह पर आप जो भी रखना चाहते हैं, उसको आपको यहाँ पर लिखना है और रिप्लेस ऑल पर क्लिक करना है। इससे आपके ये सभी वर्ड्स एक साथ में चेंजेस हो जाएंगे। तो ये थे हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का होम टैब। इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में इंसर्ट टैब बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। तो ये थी हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की वीडियो, और जिसके पहले हमने आपको एक शॉर्टकट की वीडियो बनाई थी। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो ज़रूर देखें। उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आगे हम एक एक्सेल की वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपको देखना चाहते हैं सबसे पहले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।